हेलो एंड वेलकम, मैं हूं चिरा। स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल नेक्स्ट वर्ल्ड डिजाइन में। सो फ्रेंड, आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानने वाले हैं लेथ लैब को किस तरीके से बनाते हैं। तो हमारे सामने ये हमारा जो पार्ट है उसका पूरा ड्राइंग अवेलेबल है, तो इसके रेफरेंस में हम हमारा मॉडल जनरेट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमारा जो NXO का एनवायरमेंट आ चुका है, यहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हमने एक व्यू को सिलेक्शन में ले लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसे ड्राइंग के रेफरेंस थ्रू यहाँ पे आपको पहले सिमेट्रिसिटी जितनी बन सके उतनी सिमेट्रिसिटी मेंटेन करनी है। तो पहले हम यहाँ पे सेंटर लाइन बनाएंगे, उसके बाद हम इसकी पूरी प्रोफाइल को आगे आगे फीचर्स ऐड करते हुए पूरी। तो सबसे पहले हम पहले सेंटर लाइन बनाते हैं। तो सेंटर लाइन हमें कितनी बड़ी चाहिए? हमें चाहिए 70 प्लस इसकी जो रेडियस थी वो थी हमारी 20, तो इतनी हमारी सेंटर लाइन हमें चाहिए। और दूसरी भी ऐड कर लेते हैं, उतनी ही चाहिए हमें। पहले उसको कंस्ट्रेंट देते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका इक्वल कंस्ट्रेंट हम देंगे यहाँ पे ऑटो सिलेक्शन में और क्लोज कर देंगे। अब इन दोनों का हम डिस्टेंस डिफाइन करेंगे। इन दोनों का डिस्टेंस है 125, लेकिन यहाँ से सेंटर से इसका डिस्टेंस होता है 125/2। फिर यहाँ से इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा 70 mm, और सेम इसी तरीके से इसका भी 70 mm ही। लेकिन इसकी लेंथ बढ़ चुकी है, तो पहले हम इसकी लेंथ चेक करते हैं कितनी लेंथ दी गई। वो सही है, चलो ओके, इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमें करना क्या है, अब हम रेडियस देंगे, यानी कि एक सर्कल लेते हैं, वो आसान होगा। यहाँ पे इसका जो रेडियस था वो था 20 mm। आप इसकी फिक्र मत कीजिए, मैं इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे रख दूंगा, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। फिर यहाँ पे लाइन लेते हैं, लाइन थी रेडियस की जितनी ही होगी इसकी, इसलिए इनको सिर्फ हमें क्या करना है, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको हम क्या करेंगे, मिरर कर लेंगे, यानी कि हमारा आधा टाइम उसमें ही बच जाएगा। फिर इसको हम यहाँ से उठाते हैं और इसके मिड पॉइंट से अटैच कर देते हैं। यहाँ पे 20 थी, तो इसका डायमीटर होता है 40 mm का। अब सही है। अब हमें यहाँ से सिंपली दो लाइन को यहाँ से खींच लेना है और उसको इसके बाद एक्सटेंड कर देना है। अब जो हमारी लाइन बचती है हम उसके ट्रिम कर देते हैं। वापस से सर्कल लेंगे और इसका सर्कल का डायमीटर है 7.9 का, इसका ड्रिल होल है, ये दोनों होल इतने हैं। तो ये हमारा पहला फीचर्स कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंपली मिरर कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे मिरर का ऑप्शन दिया गया है, वहाँ से हम मिरर करेंगे पूरी बॉडी को और इसको सेंटर लाइन ये देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टली आ चुका है, ओके करते हैं। और यहाँ पे स्केच हमारा फुल्ली कंस्ट्रेंट शो हो रहा है। अब इसको फिनिश करके, सॉरी, यहाँ पे एक हमारा जो मिरर था मिरर में वो एक पार्ट छूट चुका है, तो इसको भी हम मिरर कर ही लेते हैं। इसको हम सेंटर लाइन लेंगे यहाँ से ही। अब इसको फिनिश करके एक्सट्रूड कर देंगे। इसको एक्सट्रूड हमें करना है 10 mm, ओके करना है। तो ये हमारा एक्सट्रूड कंप्लीट हो चुका है। अब हमें करना क्या है, अब हमें एक प्लेन की रिक्वायरमेंट होगी, हमें इसको डायरेक्टली एनवायरनमेंट में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो
उसकी जो हाइट देंगे हम वो 130 mm पे उसकी हाइट जाएगी। तो इसकी हाइट पे आ चुका है, अब हमें क्या करना है, सिंपली इसे स्केच करना है। फिनिश करते हैं, इसको पहले डिलीट कर देते हैं, अपने आप शायद डिफाइन हो चुका। हाँ अब सही है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसका भी एक सेंटर निकालना पड़ेगा ताकि हम सिमेट्रिसिटी मेंटेन करते हुए डायरेक्टली कोई भी चीज़ आसानी से बना सके। तो यहाँ पे हम 70 mm देता हूँ। फिर क्या करता हूँ, इसको मैं रेफरेंस से कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने किया रेफरेंस में कन्वर्ट, अब मेरे लिए ड्राइंग आसान हो जाएगा बनाने का। यहाँ से मैं एक पहले लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसकी है 110। अब इसको भी मैं सिंपली इसको उठाया, पहले इसको लाइन से बाहर निकल जाते हैं, इसको उठा के सिंपली यहाँ पे रख दें। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो थी 65 mm की, 65 में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। उसके बाद वापस वही सेम प्रोसेस, 65, और इनको हमने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ से हमें किसी एक डायमेंशन को रिमूव करना पड़ेगा, बाकी अपने आप करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे स्केच हमारा फुल कंस्ट्रेंट शो हो रहा। उसके बाद हम इसको फिनिश करते हैं, तो ये हमारा पूरा मॉडल एयर में अभी बनेगा। फिर हमें क्या करना है, इसको एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड कितना करना है, इसको हम 130 mm एक्सट्रूड करके देखते हैं पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा बॉडी आखिर तक चला गया था, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले लेते हैं। ऊपर कितना लेना है हमें, हमें जो ए वाले जो दो पैरामीटर दो हमने फीचर्स बनाए थे उसकी फेस तक आ जाए उतना, और फिर ओके कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा बॉडी बन चुका है। अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें सिंपली इसको ड्राफ्ट देना है। ड्राफ्ट देने में क्या करना है, हमें इस वेक्टर में ड्राफ्ट देना है। इस फेस को हमने सिलेक्ट किया है ना, फिर इस फेस को हमने और इस फेस को, तो यहाँ से हम इस तरीके से ड्राफ्ट एंगल डिफाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पे ड्राफ्ट देने में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे आप इसकी जो कॉर्नर है उसको पहले खास आप ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे आप सिलेक्शन रखिए, आपको पता चलेगा। पहले आप एक पर्टिकुलर व्यू में चले जाइए, इसके फ्रंट व्यू में जाते हैं। अब यहाँ पे जूम करके देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए इसका ड्राफ्ट जो है वो मैच नहीं हो रहा। तो इसको हमें इसका तो हमें प्रॉपर ड्राफ्ट एंगल पता होना चाहिए, या फिर हमारे पास ड्राफ्ट एंगल नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले अपनी तरह से सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप इसके साथ मैच करने की कोशिश कीजिए। तो ये हमारा जो मैच हो चुका है एंगल, अब ये थोड़ा सा इस तरीके से बाहर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली लाइन को सिर्फ एक्सट्रूड करके इसे रिमूव करना पड़ेगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से डायरेक्टली एज ब्लेंड देके इसी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले यूनाइट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ड्राफ्ट एंगल अभी अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम फाइंड भी कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री यूज करके, लेकिन अभी हम डायरेक्टली यूज करते हैं अप्रोक्सीमेट एंगल। यहाँ पे आप देखिए कि जो मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ वो किस तरीके से बढ़ रहा है। अभी मैं थोड़ा सा इसको अप्रोक्सीमेट 3 mm की मैं यहाँ पे डायरेक्टली रेडियस दे देता हूँ, यानी कि यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे भी सेम ही तरह से इसको भी मैं ओके कर देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और एक प्लेन लेते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे, और फिर इस पे हम स्केच करते हैं। मैं आपको एक उसकी ट्रिक दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप पहले देख लीजिए,
हमारे पास एक पूरा कर्व है। इस कर्व के सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमेंशन दिए गए हैं, लेकिन इसका पॉइंट नहीं दिए गए। तो हमें क्या करना चाहिए? तो पहले हमारे पास ए, हमने इस फेस से वो पॉइंट अटैच करने हैं। तो पहले स्केच तो हमने ले लिया, अब क्या करेंगे? यहाँ पे पॉइंट का ऑप्शन दिया गया है, सिंपली आप पहला डायमेंशन है वहाँ पे पॉइंट रख दीजिए, दूसरा है और तीन पॉइंट दिए गए हैं। हमने तीनों का पोजीशन सेट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का सिर्फ हमें डायमेंशन प्रोवाइड करना है। इसको सिलेक्ट किया, ए कितना है हमारा 32 mm पे है, फिर यहाँ से यहाँ तक तो का डिस्टेंस 32 mm का है, फिर यहाँ से इस पॉइंट का 32 mm का डिस्टेंस है। तो ये हमारे तीनों पॉइंट सेट हो चुके हैं। अब यहाँ से इस फेस से डिस्टेंस दिया गया है, पहला पॉइंट है 55, दूसरा पॉइंट दिया गया है वो है 40 mm, और तीसरा पॉइंट दिया गया है वो है 30 mm। फिर इसको हम क्लोज करते हैं। अब हमें सिंपली क्या करना है, अब यहाँ पे कर्व ग्रुप में आइए। कर्व ग्रुप में यहाँ पे स्टूडियो प्लाइन का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से हम फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं, यहाँ से होते हुए हम एक कर्व जनरेट करेंगे पूरा। यहाँ तक तो ये हमने आखिर तक कर्व जनरेट किया, लेकिन ये हमें आखिरी वाला नहीं चाहिए, इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को सिंपली पहले ओके कर देते हैं, मतलब डिलीट कर देते कर्व को, वापस हम स्टूडियो स्प्लाइन यूज करेंगे। तो हमें सिर्फ 1, 2, 3 और 4 पॉइंट को ही डिफाइन करना है और ओके कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो लाइन हम लेंगे उसको यहाँ से कनेक्ट करके हमें ओके कर देते हैं। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। इस लाइन को यहाँ से डबल क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पे आप पहले गौर से देखिए, यहाँ पे जो इसका पॉइंट मैचिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। तो इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ लाइन को, यहाँ पे स्केच में आ जाता हूँ। स्केच में आ जाने के बाद यहाँ से इस पॉइंट से मैं यहाँ तक इसको लेके चला गया। अब इसको मैं सिंपली कंस्ट्रेंट डिफाइन कर देता हूँ। ये जो मेरी लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट दे देता हूँ। यहाँ पे मेरा स्केच फुल कंस्ट्रेंट आ गया, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट को मुझे थोड़ा हल्का सा रेडियस दे देना चाहिए, ताकि ये मुझे आगे जाके कोई तकलीफ ना पहुँचाए। तो अभी ये हो नहीं रहा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग तरीके से बाहर आते हैं। इस लाइन भी अलग तरीके से डिफाइन होगा और स्केच भी। तो हम क्या करते हैं, अभी इसको रहने देते हैं, इसको डायरेक्टली 3D में ही इसे हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा पूरा कर्व अभी जनरेट हो चुका है, लेकिन हमें अभी एक और चीज़ करनी चाहिए। यहाँ से हम एक आउटर बॉडी तैयार कर रहे थे, यहाँ से थोड़ा किसी भी तरीके का शेप, शेप यहाँ पे मायने नहीं रखता अभी, क्योंकि हमें सिर्फ इसका सब्सट्रैक्ट करना है। जो हमारे पास बॉडी अवेलेबल है उसमें से इस बॉडी को सिर्फ रिमूव करना है। फिर इसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड कर देंगे। यहाँ पे आप देखिए इस लाइन अलग से था डिफाइन, लेकिन आप इसको एक्सट्रूड में शामिल कर सकते हैं। ये हमारी पूरी बॉडी क्लोज हो चुकी है। यहाँ पे ये हमारी बॉडी क्लोज नहीं हुई, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था, पहले वो हम चेक करते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे रह चुका है,
वापस हम स्केच में जाएंगे और अब हम फिनिश करके पहले देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था। रिस्टार्ट करते हैं, टेस्ट प्लान हो चुका है हमारा। इसको यहाँ से कनेक्टेड को बनाते हैं पहले। तो ये कहाँ पे मैच नहीं हो पा रहा, यहाँ पे आप देखिए एक हमारा जो कॉम है वो यहाँ पे नहीं मैच हो पा रहा है। अभी हम वहाँ पे इसको ठीक करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सिंपली इसको डिलीट करके वापस से नया कॉम इसको ऐड कर देना चाहिए। तो मैं इसको सिंपली डिलीट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे से इसका जो पॉइंट है वहां से मैंने यहाँ तक तो इसका डिफाइन कर दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब इसको फिनिश करके अब एक्सट्रूड देते हैं, क्योंकि अभी भी ये बाहर ही आ रहा है, अभी भी ये नहीं लेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को हमें वापस से एडिट करके वापस से ऐड करना पड़ेगा इस लाइन, क्योंकि इस पॉइंट के साथ हमें स्प्लाइन अटैच करना पड़ेगा, वो कंपलसरी हो जाएगा। और हम वापस से जाएंगे, स्टूडियो स्प्लाइन लेंगे। यहाँ पे इसने इसको पॉइंट डिफाइन किया, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट अटैच कर दिया। अब इसको एक्सट्रूड करके देखते हैं। तो ये हमारा पूरा पोर्शन अभी एक्सट्रूड हो चुका है। अब इसमें से हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है पूरा बॉडी और ओके कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा जो लेग का शेप था वो उसने ले लिया है। अब हमें क्या करना है, इस जो भी हमें शेप नहीं चाहिए अभी, तो इसको ड्राइंग को हम हाइड कर देते हैं। इस प्लेन की हमें अभी रिक्वायरमेंट है, प्लेन को रहने देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे से स्केचिंग शुरू करते हैं वापस से। हमें एक प्लेन चाहिए होगा रेफरेंस के लिए। वापस से होम में आके एक डेटम प्लेन ऐड करेंगे। यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में हमें चाहिए, इसकी लेंथ है 65, 65 पे चाहिए और ओके करते हैं। अब यहाँ पे हम इसका जो बीच वाला पोर्शन है वो तैयार कर रहे हैं। अभी इसको स्केच में लेता है और इसको पहले डिलीट करना पड़ेगा। स्केच में जाने के बाद यहाँ पे और ओके करते हैं। तो अभी ये जो उसका पिछला पोर्शन आ रहा है, हमें सामने वाली फेस चाहिए ताकि हम आसानी से इस पे स्केच कर सके। इसको सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं। चलो अब यहाँ पे इसका व्यू सेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बीच वाला पोर्शन तैयार करना है। बीच वाला पोर्शन की जो लेंथ है 55, हाइट है 65। तो आखिर से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले क्या हम सेंटर लाइन पहले डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक की लाइन डिफाइन की हमने। अब ये फुली कस्टम नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे इसे रेफरेंस थ्रू। अब बाहर कहीं पे 55 की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है, इसको सिंपली उठा के इसका मिड पॉइंट यहाँ पे अटैच कर देते हैं। अब इसको यहाँ आखिर से डिस्टेंस हमें देना है। आखिर से इसका डिस्टेंस दिया गया है 65 और प्लस 10 है ये, सॉरी 65 को ही रहने देते हैं, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आखिर से 10 में उसके बाद 65 mm दिया गया है, लेकिन जो 65 का डिस्टेंस है वो यहाँ पे तो उसकी थिकनेस है वो भी कंसिडर हो जाती है। इसलिए सिर्फ 65 हम अभी कंसिडर करते हैं और उसके बाद हम इसको थिकनेस 10 mm प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 65 mm पे आ चुका है। फिर हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इसको अटैच
अटैच करना है। तो लाइन को के आखिरी पॉइंट से यहाँ पे कनेक्ट किया, सेम को यहाँ से आखिरी पॉइंट से कनेक्ट किया और इसको वापस हमने यहाँ पे जोड़ दिया और फिनिश करके हम यहाँ पे इसको एक्सट्रूड करेंगे। इस स्केच को हमें सिंपली सिलेक्ट करना है और इसको कितना हमें, तो यहाँ पे आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि वो कितना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट डायमेंशन दिए गए हैं इसके। तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लेंथ है, उतना ही ये पीछे धकेला गया है, तो इसकी जो है वो 30 mm और ये 65 mm थी हाइट, ठीक है। तो अब हम इसको कितना देंगे, यहाँ पे आप देखिए 65 यहाँ पे इसका एक्सट्रूड था, उसमें से 30 बात करते हैं, तो 65 माइनस 30 करेंगे तो 35 आ चुका है। तो इसको यहाँ पे सिर्फ 35 ओके करते हैं। फिर अगर आप यहाँ पे से देखिए इसका शेप यहाँ पे आ चुका है लेग का। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको हम हाइड कर देते हैं, फिर इस प्लेन की भी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस प्लेन को भी हम क्या करेंगे, हाइड कर देंगे। अब जो हमें चाहिए वो ए पोर्शन है पूरा, सॉरी वापस से मैं इस प्लेन को ले लेता हूँ। अभी एक प्रोसेस और बाकी है, यहाँ पे इसका स्लोटिंग बनाना पड़ेगा। वापस से स्केच लेंगे, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अच्छा ऑप्शन दी गई प्रोजेक्ट कर्व का, प्रोजेक्ट कर्व का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम लेते हैं प्रोजेक्ट कर्व, जो हमने रेडियस दी थी वो रेडियस हमें अभी परेशान कर रही है, कोई बात नहीं, चलिए उसको भी साथ लेके आगे ही बढ़ते हैं। तो हमने इसको कंफर्म कर लिया और ओके कर देते हैं। तो इसने पूरा उसका जो आउटर शेप था वो तैयार कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब जो जो पर्सन हमें नहीं चाहिए उसको हमें ट्रिम करना है। इसको मैं पहले एक्सटेंड कर देता हूँ, ये पर्सन मुझे चाहिए, ये भी चाहिए, अब ट्रिम करना है हमें। तो ट्रिम क्या करना है, इस लाइन को हमें नहीं चाहिए क्योंकि एक रेडियस वाली लाइन है, इसको मैं हटा देता हूँ, इन सभी चीज़ को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको ऑफसेट दे देना है, क्लोज करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसका ऑफसेट का ऑप्शन दिया गया है, तो इस पूरी ज्योमेट्री को हमें ऑफसेट देना है, कितना 10 mm ही सही है, 10 mm। पहले कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि अभी ये बीच वाला पोर्शन भी हमें नहीं चाहिए, इसलिए इसे हटा देता हूँ। अब वापस से ऑफसेट लगा देते हैं, तो ये पूरा हमारा जो ऑफसेट है वो अभी लग चुका है। सेटिंग में हमें कॉर्नर और एजेस, चलो ऐसे ही है। अब क्या करते हैं, हम इसको जो हमने बनाया इसको ओके कर देता है, हमें डायमेंशन नहीं चाहिए, चलो चाहिए देने में। अब हम क्या करते हैं, इस ऑफसेट पे आप जूम कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, हटा दीजिए। अब आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम में आइए, इसके बाद इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ये सभी को रिमूव कर दीजिए क्योंकि ये अब हमें नहीं चाहिए। तो ये हमारे सामने पूरा हमारा ऑब्जेक्ट का जो हमें होलो पैटर्न करना है वो रेडी हो चुका है। अब क्या करते हैं, क्लोज करके फिनिश कर देता हूँ। अब इसको एक्सट्रूड कर देते हैं, लेकिन हमें एक्सट्रूड करना कितना है, हमें एक्सट्रूड इसको कितना करना है, यहाँ से ये 10 mm रहे इतना, लेकिन उसका डिस्टेंस था हमारा 65 का डिस्टेंस था, उसमें से सिर्फ 10 mm हमें डिलीट करना था, 55 आता है तो यहाँ पे 55 का डिस्टेंस हो जाता है और ओके करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए पूरा लेग का पोर्शन तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस प्लेन को हाइड कर देते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
स्केच को भी हाइड कर देते हैं। अब स्केच करना है हमें यहाँ पर, ओके करते हैं। यहाँ पे भी सेम ही हम तरीका यूज़ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पहले हम एक लाइन बनाएंगे, इस लाइन को सिर्फ कन्वर्ट कर देंगे रेफरेंस में। ऐसे ही कहीं कोई भी हम ड्राइंग बनाए तो इसको पहले हम एक रेफरेंस थ्रू आगे बढ़े, ताकि हमें जो भी हम ड्राइंग बनाए उसमें हमें ड्राइंग बनाने में आसानी हो। तो ये हमारा जो सर्कल का डायमीटर दिया गया है वो है 4.5 mm, बहुत छोटा डायमीटर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 14 mm है, 4.5। अब सही है, इसको क्लोज करते हैं। ऊपर से एक डायमीटर लेते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब कर्सर थ्रू इसको चलाएंगे, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट, दोनों के बीच का डिस्टेंस था 60 mm जितना था, तो इसको 60 mm दे दिया। यहाँ से इसका डिस्टेंस था वो था 25 mm का, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था 32। सेम तरीके से इसका भी 32 mm ही डिस्टेंस था, और इसको क्लोज कर देते हैं। फिर यहाँ पे एक हम बनाएंगे रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में हमें चाहिए 40 mm, इसका जो मिड पॉइंट है, पॉइंट वन का मिड पॉइंट वो सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे इसकी जो विथ है वो है 40 mm, हाइट दी गई है 40, 65 - 40 यानी कि 25। और यहाँ पे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 65 की इसकी हाइट दी गई है, उसमें से हम निकालेंगे 40, तो 25 आता है, यानी कि 50 mm हमें इसकी हाइट रखनी है, और इसको ओके कर देते हैं। अब इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिम एक्सट्रूड करेंगे, यहाँ पे 12 mm, 12 mm जितना हम इसका कट लगाएंगे, ओके करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, उस प्लेन को भी हाइड कर देता हूँ, स्केच को भी हाइड कर देता हूँ। यह हमारा लेग का पूरा पार्ट तैयार हो चुका है, लेकिन अभी इसमें फिनिश देना बाकी है। फिनिश यानी कि यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे लिखा है फ्लैट राउंड R3, रेडियस जो भी जितनी भी रेडियस है वो सारी 3 mm की है। तो चलिए पहले हम रेडियस देना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पोर्शन हमने यहाँ पे रेडियस लगाई थी तो ये इतना ऐड हो चुका है, ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि हमारे पास ड्राफ्ट एंगल प्रॉपर नहीं था, इसलिए ये प्रॉब्लम आया है। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले हम इसको एजिमथ लगाते हैं, तो सारी की सारी रेडियस 3 mm की कंसीडर करके आगे बढ़ना है हमें। इस स्लॉट में हमें रेडियस नहीं देनी, फिर ये पूरी फेस है, फिर ये वाली पूरी फेस है, फिर ये वाली ये नहीं ले पाएगा, ये ऊपरी सतह की भी हमें देनी है लेकिन ये अभी नहीं ले पाएगा, ये भी फेस नहीं ले पाएगा, तो इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद कौन सी बच जाती है, इन सभी फेस को हम सारी एजिस को हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद ओके का प्रेस कर देते हैं। देन आफ्टर और एक दो ऐड होंगी, इसको मैं वापस से रिसेट कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे, इसे ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा जो लेथ का लेग है इसका मॉडल रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से हम
किसी भी होलो पैटर्न को भी इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे सेल कमांड का हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सेल वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे जो कव वाली एजिस नहीं होती, जो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट क्लोज बॉडी होती वहाँ पे सेल डायरेक्ट यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सेल यूज नहीं किया। सो गाइस फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि डिजाइन रिलेटेड वीडियो की PDF और नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।